अम्ल, क्षारक और लवण भाग तीन। नमस्ते बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि अम्ल और क्षारक को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर अम्ल और क्षारक का कोई रंग नहीं होता, उन्हें हम सूचकों द्वारा पहचान सकते हैं। जब अम्ल और क्षारक दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? क्या हम राजू के पास फिर चलें? शायद उसके पास, उसके दोस्तों के पास या मास्टर जी के पास इसका उत्तर होगा। तो देर किस बात की, चलिए राजू के पास फिर चलते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ पाठशाला में खेल रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जानना है। फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है। हाँ हाँ, चलो गेंद पास करो। आ, 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 आ। दिखाओ क्या हुआ? अरे लगता है कि तुम्हें मधुमक्खी ने काटा है। चलो मास्टर जी के पास। राजू, मोहन, रमा, रिंकू को मधुमक्खी ने काटा है। मैं रिंकू को सर के पास ले जा रही हूँ। सर सर, रिंकू को मधुमक्खी ने काटा है। ओहो रिंकू, तुम रोना नहीं, मैं तुरंत घाव पर बेकिंग सोडा लगा दूंगा। सीता, तुम सिर्फ उसका हाथ पकड़ दो। सर आप क्या कर रहे हैं? यह बेकिंग सोडा और पानी का लेप है। रिंकू अपना हाथ दिखाओ, इससे तुरंत आराम मिलेगा। सर मैं अब थोड़ी ठीक हूँ, क्या मैं घर जाकर आराम कर सकती हूँ? हाँ रिंकू, तुम घर चले जाओ, तुम कुछ ही घंटों में ठीक हो जाओगे। अगर सूजन और दर्द कम नहीं होता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना। ठीक है सर। सीता तुम रिंकू के साथ जाओ। ठीक है सर। सर बेकिंग सोडा मधुमक्खी के डंक की दवा कैसे बन सकता है? जब मधुमक्खी हमें काटती है, वह हमारे शरीर में एक अम्ल को छोड़ती है, हमें दर्द इसी कारण होता है। सर लेकिन अम्ल और बेकिंग सोडा तो क्षारक है। ओहो राजू सब भूल जाते हो, जब अम्ल और क्षारक का मिश्रण होता है तब नमक और पानी बनता है। परसों ही तो सर ने कहा था। मोहन ने सही कहा, जब अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं। इस मिश्रण की वजह से नमक और पानी बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ बेकिंग सोडा ने मधुमक्खी के डंक के प्रभाव को कम किया। हाँ याद आया। अच्छा बच्चों सोचो कि तुम्हारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको तुम ऐसे घावों पर लगा सकते हो? क्या हम टूथपेस्ट को लगा सकते हैं सर? यह भी तो क्षारक है। हाँ जब कीट काटते हैं ये क्षारक दर्द को कम करने में मदद करते हैं। ऐसा लगता है कि उदासीनीकरण से बहुत सारे लाभ हैं। हाँ हाँ सर, उस दिन सीता भी कह रही थी कि कैसे उनके पिताजी को त्योहार के दिन एसिडिटी हुई थी, फिर डॉक्टर ने कुछ दवाई दी थी। हाँ और फिर डॉक्टरों ने उन्हें एक एंटासिड दिया था, यह दवाई भी क्षारक ही है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड भी कहते हैं। इससे उन्हें कुछ ही घंटों में राहत मिल गई थी। अच्छा तो यह भी उदासीनीकरण ही है। सर और कहां पर उदासीनीकरण उपयोग में आता है? कभी कभी मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की वृद्धि के कारण मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है। यह तब होता है जब बहुत उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ओह तो क्या यह फसल उत्पादन को प्रभावित करेगा? हाँ सर, फिर इसका क्या उपाय है? मिट्टी को ना तो बहुत अम्लीय या बहुत क्षारकीय होना चाहिए
और जब मिट्टी अम्लीय होती है तो उसे कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। सर, मैंने पादपों के अध्याय में पढ़ा था कि खाद भी मिट्टी के लिए उपयोगी है, यह कब इस्तेमाल होती है? हाँ बच्चों, जब मिट्टी क्षारकीय हो जाती है तो खाद का उपयोग करते हैं। जब खाद डाली जाती है तो उसमें रहने वाले जीव मिट्टी को अम्लीय बनाते हैं, इससे मिट्टी फसलों के लिए उपजाऊ बन जाती है। सर, यह तो हमने अपशिष्ट जल के पाठ में भी पढ़ा था। हाँ, हमने पढ़ा था कि कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ में अम्लीय पदार्थ मिले हुए होते हैं। शाबाश, यह जब सीधे जलाशयों में बहने दिए जाते हैं तो पानी के जीव जंतुओं को अम्ल नष्ट कर सकता है। काफी जीव मर भी जाते हैं और पानी प्रदूषित हो जाता है। फिर क्या पानी में क्षारक मिलाया जाता है? हाँ, इसीलिए कारखानों का अपशिष्ट जलाशयों में मिलाने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है। आम तौर पर ढला हुआ चूना मिलाया जाता है। धन्यवाद सर, हमें उदासीनीकरण के बारे में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, अम्ल और क्षारक हमारे दैनिक जीवन में बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। इन दोनों का मिश्रण उदासीनीकरण अभिक्रिया को जन्म देता है। आपने इस वीडियो में उदासीनीकरण और उसके उपयोगों के बारे में अध्ययन किया है। हम फिर मिलेंगे।